अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि अमरूद की कटिंग कैसे करते हैं और ये जो कटर होता है इसके साथ करते हैं और कटर चलाना सिखाऊंगा आपको, कैसे कटर चलाना है, क्या इसका तरीकाकार है। बड़ी से बड़ी मोटी से मोटी लकड़ी ये काट देता है, जो इतनी सी होती है वो भी काट देता है। तो अमरूद को काटना चाहिए नीचे से ताकि इसकी छतरी ऊपर जानी चाहिए। हल वगैरह चलाने होते हैं तो वो बहुत आसानी से चल जाते हैं। दूसरी बात ये है कि नीचे से हवा लगती है पौधे को तो फिर ज़्यादा फ्रूट लेता है। तो आएँ देखें कटर कैसे चलाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। आएँ ये देखें जी, ये ऐसे हम इसको कटर को रखेंगे, एक हाथ से ये दबाएंगे पौधा, तो ऐसे ये देखें ऐसे काट देंगे। ये नीचे वाले सारे जो तने हैं वो हमने काट रहे हैं। अमरूद को साफ़ करेंगे और अमरूद फिर अच्छी ग्रोथ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फल देगा। सफाई कर देंगे इसकी, ये देखें ऐसे नीचे से सफाई करनी होती है अमरूद की। ये दिखाएं जी इधर, ये कैसे बड़ी जो शाख है हम काटते हैं नीचे बैठ कर, ना दिखाएं आप इधर। तो ये हम एक रखेंगे, इसकी जो कॉर्डिक्स होता है ये एक रखेंगे इसका तना, तो इसे काट देंगे। ये दिखाएं कटर इतने इतने बड़े जो तने होते हैं कैसे काट देता है, ये देखें। ये भी एक तरह की कुल्हाड़ी से भी ज़्यादा तेज़ होता है, ये देखें कितना मोटा है जी। ये अभी हम ये देखें अभी काट के दिखाएंगे, ये देखें कितना मोटा है। तो अभी मैं पकड़ के आपको दिखाता हूँ पीछे होकर कैमरा, आप ये देखें। ये मैंने कटर के साथ काट दिया, देखें यार कितना मोटा है ये। कटर इस स्टाइल से चलाना चाहिए, जब आप इसे दबाते हैं तो इधर से एक हाथ से इसको दबा देना है आपने, जो शाख होती है। तो अब ये काटेंगे। ये देखो दोस्तों कितना बड़ा ये इसका तना है, ये देखें पूरा अमरूद का अमरूद है। मैं आपको काट के दिखाता हूँ इतना बड़ा। उधर से कैमरा अगर आप लगाते तो ज़्यादा अच्छा था। ऐसे ये देखें, इसके जबड़े में पूरा नहीं आता ये तना, जो ये ऐसे दबाएंगे, ये देखा, ये देखें। ओ ये देखें, इतना बड़ा अमरूद है यार। लेकिन ये काटना बहुत अच्छी बात है, ये आप ना सोचें कि ये पौधा जड़ से काटेंगे शुरू से तो ये अमरूद कम देगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट देते हैं। अभी इसको हवा लगेगी नीचे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अच्छा ग्रोथ करेगा ऊपर से। चलो आए और कोई देखते हैं। इनू करिए सही, अभी ये काटेंगे जो सबसे बड़ा तना है जो इसका, ये कटर के साथ काटेंगे आप देखते रहें। ये देखें अभी मैं काटता हूँ उसको, उधर से दिखाएं आप कैमरा लगा के भाई, फूल आया। ये देखें कितना बड़ा तना है, ये मेरे हाथ में तना इतना मोटा है, मेरे बाजू जितना मोटा तना है। और ये भी मैं इसी कटर के साथ काटूंगा, सिर्फ क्या एक जो तजर्बा होना चाहिए बंदे का। ये देखें ऐसे दोनों हाथों से एक कट लगाऊंगा इसको ऐसे, तो अभी ये कट जाएगा, ये देखो एक उधर से कट लगाऊंगा ऐसे।
ये देखा कटर का कमाल, ऐसे काटते हैं। तो अभी दिखाएं जी अमरूद की शेप, ऐसे बनना चाहिए इसको। ये देखें जी ऐसे जो अमरूद होते हैं ऐसे कटिंग करते हैं अमरूद की। जब ये कटिंग हो जाएगी तो हमारा जो पौधा है ना मोटा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फल लगेगा इसको। तो अगर आपका बाग है तो आप भी कटिंग करें, अगर घर में आपका कोई पौधा है तो उसकी भी कटिंग कर दिया करें। ऊपर से भी कटिंग करते हैं तो वो करते हैं ये देखें ऐसे ऐसे। अगर ज़्यादा कटिंग करेंगे तो ज़्यादा ऊपर से पौधा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा शाखें निकालेगा और ज़्यादा फल लगेगा। इंशाल्लाह मेरा पूरे पाकिस्तान जहाज चैनल चलन लग पा बनानी थी हूँ कहती बनानी अपना कैसा लगा आपको मेरा काम, अच्छा लगता है या नहीं? ये देखें जी अभी इसकी कटिंग करते हैं। ये देखें इसको फल भी लगा हुआ, लेकिन आपने ये नहीं देखना कि फल लगा हुआ है। फल तो लगा ही रहता है हर वक्त, सदाबहार बूटे हैं जो हमारे पौधे हैं तो इसको फल तो लगा ही रहता है, लेकिन कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अमरूद लगे हुए हैं ये देखें, ये अमरूद लगे हुए हैं, ये भी लगे हैं। अगर हम ये देखेंगे कि यार अमरूद लगे हुए कटिंग नहीं करनी, अमरूद तो और भी बहुत लगे हुए ऊपर, लेकिन इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। जो नेक्स्ट इसका सीज़न आएगा अमरूद का, तो उस वक्त इसको बहुत ज़्यादा अमरूद लगेंगे और पौधा बहुत हेल्दी हो जाएगा, खूबसूरत लगेगा। इसके जो नीचे से भी खूबसूरत बन जाएगा तना इसका। ये भी हम काट देंगे, ये भी उल्टा है।
तो ये देखें जी, कटाई करते वक्त हमें अमरूद भी मिल गए। एक मेरा दोस्त खा लेगा और एक मैं खाऊंगा। फिलहाल तो अमरूद का सीज़न ख़त्म हो गया है। ये सदाबहार पौधे हैं, इनको अमरूद लगे ही रहते हैं। तो अभी नेक्स्ट इनको इंशाल्लाह बहुत अमरूद लगेंगे। ये देखें, ये अभी इसका नया फल है जो ये आ गया, ये आ गया। तो अभी जो थोड़े से बड़े बड़े हैं ये पक जाएंगे, इंशाल्लाह अमरूद लगेंगे इनको। ये ले यार मेरे दोस्त, खाएं आप। देख मैं खाता हूँ, ये लो यार, मीठा है, बहुत मीठा है। जो सूखी लकड़ होती है ना वो नहीं काटता ये। सूखी के बारे में ये नील है, ये जो गिरी इसकी ताज़ी लकड़ी होती है उससे काटता है बस। कितना खूबसूरत हो गया देखें, इसकी अगर सफाई हो गई है तो ये हमारा पेड़ कितना खूबसूरत हो गया। आने वाले वक्त में ये बहुत ज़बरदस्त इसकी जो शेप बन जाएगी। लो जी, ये देखो यार, ओह मेरे चार पांच अमरूद कट गए यार। लेकिन परेशानी नहीं लेनी, ऊपर बहुत लगे हुए हैं यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसी लगी ये वीडियो आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें अपने भाई के चैनल को राणा अशरफ अरफन मौला। तो अगर आपको किसी चीज़ की मालूमात चाहिए तो हमें बताएं, हम इंशाल्लाह आपको हर चीज़ की मालूमात देंगे। कैसे पौधे बनते हैं, कैसे तैयार होते हैं, वो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे फूल बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं फूल, यानी कि कुदरती तौर पे आप पौधा लगाएं, तो आपको इंशाल्लाह ताला इनकी वो इनके बारे में बताएँगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल इसको आते हैं पौधे पर। ये देखें कितने फूल लगे हैं। ये देखें जी,